तो हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो यार आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो फिर से आएगा आपके लिए एक ज़बरदस्त एक एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के मदद से आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फिर रील बनाए हो उसको आप एडिटिंग कर सकते हो, फिर आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक आप यूट्यूब या अदर कोई भी सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हो, क्योंकि ये एप्लीकेशन यूट्यूब की तरफ से क्रिएट किया हुआ है, जनरेट किया हुआ है। तो आप सिंपल में सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम जान लीजिए, इस एप्लीकेशन का नाम है यूट्यूब क्रिएटर। आप बहुत कुछ लोग आप फिलहाल यूज़ किए करते रहेंगे, कुछ लोग को पता भी नहीं है। कुछ लोग जो भी कंटेंट क्रिएटर है, बड़ा बड़ा क्रिएटर लोग का आप वीडियो भी देखे होंगे कि, लेकिन कुछ लोग को पता भी नहीं है, कुछ लोग देखे रहेंगे, कुछ लोग को यूज़ करने का तो सही तरीका पता नहीं। तो आज के इस वीडियो में यूट्यूब क्रिएटर एप्लीकेशन के बारे में पूरा रिव्यू जानने के लिए मिलने वाला है कि किस तरह से आप एक वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फिर किस तरह से आप कट लगा सकते हो, किस तरह से आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो, किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा जानकारी मिलने वाला है यूट्यूब क्रिएटर एप्लीकेशन के बारे में। क्या आप भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हो? तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या आप भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हो? तो ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखिए। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सागर, आप सभी का स्वागत है CPS टेक्निकल में। आपको वीडियो पूरा वॉच करना है तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके पूरा वीडियो वॉच कर सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो, आने बाद प्ले स्टोर में आने बाद आप सिंपल में सर्च बार में यूट्यूब क्रिएटर बोल के टाइप कीजिए, आपको ये एप्लीकेशन आपको शो होता रहेगा। तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है तो ऑलरेडी मैं डाउनलोड किया, फिर इसका रेटिंग भी देख सकते हो, रिव्यू भी देख सकते हो। 4.0 को आपको रेटिंग देखने मिलेगा, देख सकते हो कितना लोग डाउनलोड किए वो भी आपको इधर शो होता रहेगा। फिर आप इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ करते हैं, तो इस एप्लीकेशन में क्या फ्यूचर देखने मिले सब कुछ इधर शो होता रहेगा। होने बाद सिंपल में आप सिंपल में ओपन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सिंपल में देख सकते हैं आप इस तरह से आता है, साइनिंग अप करने का ऑप्शन आता है। सिंपल में आप मेन चैनल से आप साइनिंग अप करना चाहते हो वो कर सकते हो, या आप अदर कोई भी चैनल से साइनिंग अप करना चाहते हो और कर सकते हो। सिंपल में साइनिंग ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। साइनिंग अप जो भी जीमेल आईडी से साइनिंग अप करना चाहते हो उस जीमेल आईडी से साइनिंग अप कीजिए। साइनिंग अप करने में देख सकते हो आपका इधर प्रोफाइल आपको शो होता रहेगा, और ये सिंपल में देख सकते हो प्लस का आइकन पर क्लिक कीजिए। आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको परमिशन मिलेगा, सिंपल में परमिशन दीजिए। परमिशन देने के बाद देख सकते हो आपका जो भी फोन गैलरी है गैलरी में जाता है उधर शो होता रहेगा। वीडियो लेना चाहते हो वीडियो ले सकते हो, या फोटो लेना चाहते हो वो फोटो ले सकते हो, या आपका कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल है तो सिंपल में गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो भी पर्टिकुलर फोल्डर है तो उस फोल्डर को आप इधर से ले सकते हो। तो आपके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए, प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए मेरे को एक वीडियो ही लेना है तो सिंपल में मान लीजिए कोई वीडियो लेना है, सिंपल में वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। एक वीडियो लेता हूँ तो सिंपल में वन टाइम में आप जितना चाहिए उतना वीडियो लेना चाहते हो सिंपल में ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं लिमिट नहीं है कि एक ही वीडियो ले सकते हो। तो आपके हिसाब से लीजिए, होने देख सकते हो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में आपका जो भी 1 GB का है तो मिनिमम वो 15 मतलब उसका आधा करके आपको एक्सपोर्ट करके देगा, वो भी आपको ऑप्शन इधर देखने को मिलेगा। तो ये सबके सबसे अच्छा है क्योंकि आप वीडियो अपलोड करते समय आपका ज़्यादा MB यूज नहीं होता है। तो आप ज़्यादा रहना चाहिए तो पूरा एडिटिंग होने के बाद आप उधर क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस थोड़ा वेट कीजिए, वो पूरा एक्सपोर्ट होने के बाद आपको आगे का प्रोसेस बताने का कोशिश करूँ। देख सकते हो गाइस मैं वीडियो लिया, उस वीडियो को देख सकते हो एक बार, आप देख भी सकते हो, देख सकते हो ये वीडियो मैं एक्सपोर्ट कर लिया। तो एक्सपोर्ट करने के बाद इस तरह से आते हैं, आने बाद सिंपल में देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन आप जान लीजिए, तीन डॉट पर क्लिक कीजिए। तीन डॉट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इधर आपको देखने मिले ये ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। ये ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी रेशियो है तो सिंपल में आपके हिसाब से रेशियो सेलेक्ट कीजिए। आप यूट्यूबर है तो ये रेशियो सेलेक्ट कीजिए, या आप इंस्टाग्राम या अदर कोई भी सोशल मीडिया रील बना रहे हो तो सिंपल में 9:60 रेशियो यूज़ कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ये दोनों रेशियो से ही काम चलता है सब लोग का। तो आप किस सेलेक्ट कीजिए, तो ऑलरेडी मैं यूट्यूबर तो सिंपल में मैं यूट्यूब पे क्लिक करके सेव करता हूँ। तो आप मैं इसको कट करना चाहता हूँ, सिंपल में देख सकते हो इस स्प्लिट ऑप्शन पर क्लिक करके अब मैं इधर से कट लगा सकता हूँ। सिंपल में स्प्लिट ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो ये कट हो गया, सिंपल में इस तरह से आ गया। आने बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऐसा क्लिक करके ऐसा ही स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करके देख सकते हो इधर आपको डिलीट ऑप्शन शो होता रहेगा, सिंपल में डिलीट ऑप्शन पर
मैं क्लिक करता हूँ। डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो भी वो क्लिप है वो हट गए। हट कर जाने के बाद देख सकते हो आप और वीडियो लेना चाहते हो, मतलब आपके पास ये एक ही वीडियो, इस वीडियो में आप स्क्रीन वीडियो ऐड करना चाहते हो या आप इधर कोई भी एक वीडियो ऐड करना चाहते हो, सिंपल में देख सकते हो इधर ओवरले बोल के एक ऑप्शन है, सिंपल में ओवरले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ओवरले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो गैलरी में वीडियो या फोटो लेना चाहते हो, सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप लेना चाहते हो ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई नई क्लिप लेना है तो आपके हिसाब से लेना चाहते हो ले सकते हो। होने पर देख सकते हो आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, सिंपल में टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो इधर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, फिर ये ऑप्शन पर क्लिक करके क्लिक कीजिए। ये ऑप्शन पर क्लिक करने में आप जो भी ऐड करना चाहते हो सिंपल में ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद देख सकते हो डन ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। डन ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो आ गया। आने के बाद उसको आप दो फिंगर से आप जिधर भी आप लगाना चाहते हो सिंपल में लगा दीजिए या दो फिंगर से यूज़ करना चाहते हो यूज़ कीजिए। होने के बाद देख सकते हो आपको फिर से उसको एडिटिंग करना है तो एडिटिंग ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिटिंग करना चाहते हो एडिटिंग कर सकते हो, या आप सिंपल में देख सकते हो आप उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो सिंपल में वो भी सिंपल में इधर से स्टाइल ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हो। इधर स्टाइल आपको देखने मिले सिंपल में जितना चाहिए उतना आप वो स्टाइल ले सकते हो। होने के बाद देख सकते हो कलर ऑप्शन पर क्लिक करके आप कलर लेना चाहते हो वो भी कलर ले सकते हो, जो भी आपको कलर चाहिए सिंपल में कलर चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। फिर बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करके आप बैकग्राउंड कलर भी आप इधर से चेंज करना चाहते हो या लगाना चाहते हो सिंपल में आपकी सब सेलेक्ट कीजिए। फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इधर स्टाइल चेंज करना चाहते हो वो भी स्टाइल चेंज कर सकते हो। देख सकते हो होने बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसका अलग अलग कलर लगाना चाहते हो वो भी कलर आप इधर से लगा सकते हो। फिर शैडो पे ऑप्शन पर क्लिक करके आप शैडो मतलब उसका शैडो कौन सा कलर पे होना चाहिए वो भी लगा सकते हो। तो आपके हिसाब से सब कुछ होने के बाद सिंपल में डन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। डन ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो फिर इधर एक ऑप्शन देखने मिला है सिंपल में, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए एनिमेशन ऑप्शन पर। एनिमेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हो गाइस आप जो भी लिखे उसका एनिमेटेड इधर सब आपको शो होता रहेगा। सिंपल में आपके सबसे सेलेक्ट कीजिए, फिर आपको उसका एनिमेटेड का साइज भी इधर सेलेक्ट कर सकते हो, कितना फास्ट में आना चाहिए या स्लो में आना चाहिए सब कुछ इधर। स्पीड आप इधर से एडजस्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। बाद में इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो फिर से अलग अलग एनिमेटेड आपको देखने को मिला। मान लीजिए मैं एनिमेटेड पर क्लिक करता हूँ, एनिमेटेड पर क्लिक करने में देख सकते हो वो एनिमेटेड किस तरह से आता है। सिंपल में आपके हिसाब से जो भी आप एनिमेटेड यूज़ करना चाहते हो सिंपल में एनिमेटेड की यूज़ कीजिए। होने बाद डन ऑप्शन पर क्लिक तो आपके हिसाब से सेलेक्ट करके आप भी डन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। होने बाद फिर ऐसे ही आ जाए। आने बाद देख सकते हो इस ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने बाद आपका जो भी लिखे हो देख सकते हो जो भी लिखे उसका रूटेड जिधर एडजस्ट करना चाहते हो वो एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। फिर आपके हिसाब से एडजस्ट करने के बाद सिंपल में आप डन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। डन ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो आपके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए या आपको इसका ही डुप्लीकेट चाहिए, मतलब जो भी आप लिखे उसका डुप्लीकेट चाहिए तो सिंपल में डुप्लीकेट ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसका ही डुप्लीकेट बना सकते हो, या आपको ये नहीं चाहिए आपको तो सिंपल में डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हो। होने बाद देख सकते हो फिर से वीडियो पर क्लिक करता हूँ। वीडियो पर क्लिक करने में देख सकते हो इस ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में आपको वीडियो का कलर आप इधर से चेंज करना चाहते चेंज कर सकते। देख सकते हो मैं कलर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, देख सकते हो मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ, कोई भी आपको आपके हिसाब से कलर लेना चाहते हो वो कलर ले सकते हो। तो हाँ आपके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए, मैं डन ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। डन ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो आपको इधर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में कुछ भी आप इफेक्ट लगाना चाहते हो सिंपल में आप इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो देख सकते हो इस इफेक्ट किस तरह से आपका वीडियो में ऐड हो रहा है। तो आप इस तरह से फ्री का इफेक्ट यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो इस तरह से सब अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा सिंपल में आपके हिसाब से यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। होने बाद आपके हिसाब सेलेक्ट कीजिए। होने बाद डन ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। डन ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो इधर फिर से एक ऑप्शन देखने मिले, इस ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में आपको वीडियो का ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करना चाहते हो सिंपल में इधर ऑप्शन है तो सिंपल में आपके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। देख सकते हो इसमें वीडियो का पूरा आपके हिसाब से कलर डाउन या ज़्यादा करना चाहते हो आपके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। देख सकते हो इस कितना प्रोफेशनल लग रहा है तो आपके हिसाब से सेलेक्ट करना चाहते हो। देख सकते हो बहुत कुछ ऑप्शन है, सिंपल में आपको जो भी ऑप्शन चाहिए सिंपल में सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मेरे को कोई ऑप्शन नहीं चाहिए आपके हिसाब से, मेरा हिसाब से मैं सेलेक्ट किया, आपके हिसाब से सेलेक्ट करके डन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियो में शो होगा। और इधर एक ऑप्शन देखने मिले, इस ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में आपको वीडियो का स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देख सकते हो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरा वीडियो का साइज देख सकते हो कितना स्लो आ रहा है, तो मैं इधर किया तो स्पीड आएगा एकदम फास्ट आएगा। देख सकते हो इस तरह से नॉर्मल आना चाहिए, सेंटर में लगकर आपके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। तो डन ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, आपके हिसाब से सेलेक्ट करके आप यूज़ कीजिए। होने बाद ऐसा ही आ जाए। ऐसा ही भी आने के बाद सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए।
इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको वीडियो का साउंड कम या ज़्यादा इधर से करना चाहते हो सिंपल में कर सकते हो, या बंद रखना चाहते हो तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप साउंड को ऑफ भी कर सकते हो। तो होने के बाद देख सकते हो फिर से इधर ऑप्शन देखने मिले ऑडियो क्लिप, तो सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसको देख सकते हो इधर लाइन बाय लाइन आपको शो होता रहेगा, सिंपल में देख सकते हो आपके हिसाब से लाइन बाय लाइन जैसा आप कंप्यूटर या लैपटॉप में आप एडिटिंग करते समय शो होता है, इस तरह से आपको ए भी ऑप्शन इधर शो होता रहेगा। जिधर से आप बोलने का स्टार्ट किए हो या जिधर से म्यूजिक स्टार्ट हुआ सब आपको इधर देखने मिले। सिंपल में ये ऑप्शन तो सबसे बढ़िया दिया, तो ऑडियो क्लिप ऑप्शन जरूर यूज़ कीजिए, ये बहुत आसान वे में है, तो अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए यूज़ कीजिए। तो आपको दिख रहा है इधर तो आप किधर से स्टार्ट किए किधर से एंड किए सब आप इधर से कट लगाने के लिए भी आपको आसान होगा, तो आपके सब चीज किए। होने बाद देख सकते हो आपको रोटेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, देख सकते हो आपके सबसे जिधर रोटेट करना चाहते हो वो आपके सबसे कर दीजिए, आपके सबसे देख सकते हो। होने बाद आप दोबारा आपको देना चाहते हो तो रिप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करके आप वो भी ऑप्शन यूज करना चाहते हो वो भी यूज कर सकते हो। होने बाद देख सकते हो इधर एक ऑप्शन देखने के मिले, सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो भी वीडियो है उस वीडियो में आपको ऑप्शन पर क्लिक करके आपके हिसाब से देख सकते हो लाइन मार्क लेना चाहते हो तो गोल, या देख सकते हो इधर आपके हिसाब से जो भी आपको चाहिए सिंपल में आपके हिसाब से ले सकते हो। होने के बाद सिंपल और डन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर यूज़ नहीं था तो यूज़ करना चाहते वो भी कर सकते। फिर आप इस वीडियो का डुप्लीकेट लेना चाहते हो उसको डुप्लीकेट लेना चाहते हो वो ले सकते, बाद में डिलीट करना चाहते हो वो भी डिलीट कर सकते। मैं देख सकते हो इधर एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो आपको स्टिकर ऐड करना है, तो सिंपल में स्टिकर ऑप्शन पर क्लिक करके आप जितना चाहिए उतना स्टिकर ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते। अलग अलग कैटेगरी का आपको स्टिकर मिलेगा वो भी लगा सकते हो। इमोजीज लगाना है तो सिंपल में इमोजीज ऑप्शन पर क्लिक करके जितना चाहिए देख सकते हो इधर अलग अलग इमोजी अलग अलग इफेक्ट अलग अलग आपको स्टिकर मिलेगा, तो आपके हिसाब से जो आपको ऑप्शन चाहिए सिंपल में सेलेक्ट कीजिए। तो आपको नहीं चाहिए तो सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक करके बैक आ जाइए। नहीं बस देख सकते हो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो उससे कॉपीराइट म्यूजिक फ्री म्यूजिक है तो सिंपल में आपके हिसाब से जो सेलेक्ट करके यू लगाना चाहते हो सिंपल में देख सकते हो। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्ले करके सुन सकते हो, देख सकते हो। फिर आपको कैटेगरी भी इधर शो होता रहेगा, हिप हॉप फिर पॉप देख सकते हो, इतना सारा अलग अलग कैटेगरी है, तो आपके हिसाब से जो कैटेगरी है सिंपल में आपके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। होने पर कुछ करना नहीं तो आपके हिसाब से ये सेलेक्ट करना है तो सिंपल में इस तीर निशान पर क्लिक कीजिए, आपका वीडियो में ऑटोमेटिकली ऐड होता है। तो आप इस तरह से आपका जो भी कॉपीराइट म्यूजिक है तो ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद देख सकते हो आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा, फिर आप इस म्यूजिक का ऐड कीजिए, फिर इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी म्यूजिक है म्यूजिकल आप स्टार्टिंग में वॉइस ज़्यादा करके आना चाहिए या कम करके ज़्यादा होना चाहिए तो आपके हिसाब से इधर सेलेक्ट करना चाहिए तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो बाद में होने के बाद देख सकते हो आपका म्यूजिक का मतलब आपका लाइन मार्क देख सकते हो कैसे आपको इधर शो होता है, आपको दिखाया जाता है इस तरह से चाहिए तो सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो जो है तो सिंपल में कट लगाता है, सबसे सेलेक्ट करना चाहते हो वो भी सेलेक्ट कीजिए। फिर इधर सब आपको प्रोसेस होने का दिखाई देता है, फिर ये क्या काम करता है तो सब कुछ आपको इधर समझ में आएगा, तो आप एक बार देखना चाहते हो भी वो भी देख सकते हो। तो आपके हिसाब से सेलेक्ट करने में देख सकते हो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप वॉइस ऐड करना चाहते हो सिंपल में वॉइस ऐड कर सकते हो। कंप्लीट होने में डन ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो, डन ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कैप्शन भी ऐड कर सकते हो, आपके वीडियो में कैप्शन ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये कैप्शन कभी कभी ऐड होता है कभी कभी ऐड नहीं होता, तो आपके हिसाब से यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके आप कैप्शन ऐड करना चाहते हो सिंपल में कैप्शन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। कैप्शन ऑप्शन पर ऑप्शन पर क्लिक करके आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो, आपका वीडियो को वॉइस सेलेक्ट करना चाहते हो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, ऑल वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, मतलब आप जिधर जिधर आपको वॉइस ऐड किए उधर ही आपको कैप्शन चाहिए तो वो भी ऐड कर सकते हो। फिर आप कंटिन्यू चाहिए तो सिंपल में ऑल वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हो दो ऑप्शन है, तो सिंपल में आपको कंटिन्यू चाहिए तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो, आप जिधर ऐड वॉइस ऐड किए उधर आपको कैप्चर चाहिए तो वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे को ऑल वीडियो में चाहिए तो मैं ऑल कैप्चर पर क्लिक करता हूँ, उन्हें बस सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप इधर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, तो आप किस सबसे लैंग्वेज सेलेक्ट हिंदी लैंग्वेज पर क्लिक करके मैं सेलेक्ट करता हूँ, हिंदी लैंग्वेज पर क्लिक करके सेलेक्ट करने आपके हिसाब से जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, उन्हें बस जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। देख सकते हो कैप्शन होने के बाद कंप्लीट होने के बाद देख सकते हो इस तरह से आ गया, आने के बाद देख सकते हो कैप्शन इस तरह से ऐड करता है, उतना प्रॉपरली ऐड नहीं करता है, तो आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आपके हिसाब से एडिटिंग करना चाहिए वो कर सकते हो, स्टाइल चेंज करना चाहिए वो कर सकते हो, या आप जो भी कैप्चर डिलीट करना चाहते हो सिंपल में डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। फिर इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो देख सकते हो आपके सब सेलेक्ट कीजिए, सब कुछ आपके हिसाब से बहुत सारा ऑप्शन है बहुत सारा है तो सिंपल में सेलेक्ट कीजिए। फिर इधर एक ऑप्शन देखने मिली, इस ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका स्टार्टिंग इफेक्ट
देख सकते हो। मान लीजिए मेरे को एक चाहिए तो सिंपल में देखते हो स्टार्टिंग होते समय इस तरह से आता है। तो आपके हिसाब से जो चाहिए सिंपल में इधर बहुत कुछ ऑप्शन है तो आपके हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये फ्री का है, फिलहाल के लिए यूज़ कीजिए, आपके हिसाब से जैसा यूज़ करना चाहते हो वैसा आप यूज़ कर सकते हो। बहुत कुछ कहाँ से होने होगा, सिंपल में इधर तीन डॉट पर क्लिक कीजिए, तीन डॉट पर क्लिक करने पर देख सकते हो इधर आपको ऊपर ही देख शो होता रहेगा। सिंपल में एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट ऑप्शन पर देख सकते हो कितना साइज़ में आप डाउनलोड करना चाहते हो। सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक करके मिनिमम अभी आपको 180 Mbps में ही आपको डाउनलोड कर सकते एक्सपोर्ट कर सकते हो। सिंपल में आप एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप सिंपल में देख सकते हो आपका वीडियो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो रहा है। बाद आपको आगे का प्रोसेस बता दो। तो आप एक्सपोर्ट को कैंसिल करना चाहते हो सिंपल में कैंसिल आपको बटन भी इधर से होता है। पूरा एक्सपोर्ट होने के बाद आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। कंप्लीट होने के बाद देख सकते हो इस तरह से आगे आने के बाद आप इधर से डायरेक्ट आप यूट्यूब में अपलोड करना चाहते हो वो भी ऑप्शन देखने के लिए। आप फिर इस शेयर ऑप्शन पर क्लिक करके आप किधर भी शेयर करना चाहते हो इधर से शेयर कर सकते हो। देख सकते हो इतना अलग अलग सोशल मीडिया है तो आप इधर से शेयर करना चाहते हो ये शेयर कर सकते हो, या बैक आना चाहते हो सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप बैक आ सकते हो, या फिर से एडिटिंग करना चाहते हो एडिटिंग कर सकते हो। तो आप पूरा ही बैक आना चाहते हो तो सिंपल में देख सकते हो इधर होम ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। होम ऑप्शन पर क्लिक किया तो सब आपका वीडियो कंप्लीट बनकर हो गया। तो आप इतना सारा होने के बाद फिर नया वीडियो ऐड करना चाहते हो तो सिंपल में प्लस आइकन पर क्लिक करके आप जितना चाहिए उतना वीडियो ऐड करना चाहते हो, इस तरह से आप वह वीडियो ऐड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि इस एप्लीकेशन के बारे में YouTube क्रिएटर एप्लीकेशन के बारे में पूरा आपको जानकारी पता चल गया होगा कि किस तरह से आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फिर आपको वीडियो में म्यूजिक लगा सकते हो, फिर आप वीडियो में कट लगा सकते हो, फिर आप ओवरऑल का यूज़ कर सकते हो, फिर आप किसी भी इमेजेस ऐड कर सकते हो, ये फिर आप कोई भी आप स्टिकर ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड कर सकते हो। तो गाइस ये बिल्कुल फ्री है, तो फ्री है तो आप यूज़ कीजिए, क्योंकि काइन मास्टर होने के बाद ही ये एप्लीकेशन आपको फ्री देखने के लिए मिलेगा, मतलब म्यूजिक के साथ। क्योंकि म्यूजिक ऐसा है कि आप यूज़ करके देखिए आपको पता ही चलेगा, फिर आप इस एप्लीकेशन में बहुत अलग अलग कैटेगरी का आपको इमेजेस देखने के मिलेगा, पिक्चर देखने के लिए मिलेगा, आप कट भी लगा सकते हो, आप बैकग्राउंड वीडियो भी लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, फिर कलर एडिटिंग भी मिलेगा। सब कुछ आपको जो जो एडिटिंग करने के लिए सामान चाहिए, या सामान मान लीजिए आप जो जो एडिटिंग करने के लिए आपको चीज़ चाहिए, सब कुछ इस एप्लीकेशन में अवेलेबल है। तो आशा करता हूँ कि इस एप्लीकेशन के बारे में पूरा आपको जानकारी पता चल गया होगा। तो पता चला तो पैर तक लाइक कर सकते हो, ऐसे में जितना टिप्स एंड ट्रिक्स आपको रेगुलर मिलता रहना चाहिए ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे इस एप्लीकेशन के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। फिर इस एप्लीकेशन के बारे में आपको कुछ पता नहीं चला, कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो नीचे जाकर पैर तक कमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस एप्लीकेशन के लिए इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।